दोस्तों नमस्कार, फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ 2020 के लिए एमपी बोर्ड के लिए इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 2020 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और एमपी बोर्ड के लिए हैं और इंग्लिश से लिए गए हैं। ये लेसन 3 के हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, पहले मैं डी पार्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। ये डी पार्ट में भी सबसे पहले मैं प्रोज अर्थात लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पोयम के क्वेश्चन आंसर दूंगा, एक्सट्रैक्ट दूंगा, और उसके बाद जो वर्कबुक है उसके क्वेश्चन आंसर, यानी पहले हम डी पार्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम सी पार्ट, बी पार्ट और फिर ए पार्ट को कंप्लीट करेंगे। चलिए, डी पार्ट में क्वेश्चन लेसन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। व्हाट इज़ द बेस्ट वे, व्हाट यानी क्या, इज यानी है, द बेस्ट वे यानी अच्छा रास्ता, टू डिसआर्म यानी खत्म करने का, हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता, शत्रुता को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका या रास्ता कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वह है, द वर्स्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी इज दैट वी शुड नॉट थिंक इल ऑफ अदर्स एंड शुड अवॉइड देयर फॉल्ट्स। दैट मीन्स द वर्स्ट वे यानी अच्छा रास्ता है टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी इज शत्रुता को खत्म करने का, दैट कि वी शुड नॉट थिंक, वी शुड नॉट हमें नहीं चाहिए थिंक अर्थात सोचना, इल यानी गलत, ऑफ अदर्स दूसरों के बारे में, हमें दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, एंड शुड अवॉइड देयर फॉल्ट्स, एंड और चाहिए अवॉइड यानी नकारना देयर फॉल्ट्स या ध्यान ना देना, और हमें उनकी गलतियों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात शत्रुता को खत्म करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वह यह है कि हमें दूसरों की गलतियों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए और उनकी गलतियों को नकारना चाहिए और उन और हमें उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूल मेट्स। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, व्हाट यानी क्या, इज यानी है, द मेन, मेन यानी मुख्य, डिफरेंस यानी अंतर, बिटवीन यानी बीच में, प्लेमेट्स एंड स्कूल मेट्स, प्लेमेट्स यानी घर के साथी एंड स्कूल मेट्स यानी स्कूल के साथी, अर्थात घर के साथी और स्कूल के साथियों में क्या अंतर है। तो प्लेमेट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट एज एंड डिफरेंट क्वालिफिकेशन, बट स्कूल मेट्स आर ऑफ ऑलमोस्ट सेम एज एंड सेम क्वालिफिकेशन। इसका मतलब यह कि प्लेमेट्स कैन बी, प्लेमेट्स यानी घर के साथी हो सकते हैं, डिफरेंट एज एंड डिफरेंट क्वालिफिकेशन, अलग अलग उम्र और अलग अलग शिक्षा वाले, बट स्कूल मेट्स आर ऑफ ऑलमोस्ट, परंतु जो स्कूल के साथी होते हैं वह लगभग सेम एज और सेम क्वालिफिकेशन यानी एक ही क्लास में पढ़ने वाले होते हैं, जबकि घर के जो साथी है अलग अलग क्लास में पढ़ने वाले और अलग अलग एज के हो सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एट होम एंड लाइफ एट स्कूल। व्हाट इज द मेन डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या अंतर है बिटवीन बीच में, लाइफ एट होम स्कूल के जीवन में एंड लाइफ एट लाइफ एट होम घर के जीवन में एंड लाइफ एट स्कूल स्कूल के जीवन में, घर के जीवन में और स्कूल के जीवन में क्या अंतर है। एट स्कूल वन कैन नॉट एन्जॉय द सेम लिबर्टी एंड केयर एज एट होम। एट स्कूल ही हैज टू एडजस्ट विथ हिज स्कूल मेट्स। एट स्कूल, स्कूल में वन कैन नॉट एन्जॉय, प्रत्येक व्यक्ति आनंद नहीं ले सकता, ले सेम लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का एंड केयर और देखभाल का एज एट होम घर की तरह, यानी स्कूल में घर की तरह स्वतंत्रता और देखभाल नहीं होती। एट स्कूल ही हैज टू एडजस्ट, स्कूल में एडजस्ट सामंजस्य करना पड़ता है विथ हिज स्कूल मेट्स, अपने स्कूल के साथियों के साथ, स्कूल में हमें अपने स्कूल के साथियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी नेवर डिस्पेयर एनीवन फॉर, व्हाट शुड वी नेवर
डिस्पाइज एनी वन फॉर वॉट शुड, हमें क्या नहीं करना चाहिए, डिस्पाइज एनी वन फॉर, घृणा नहीं करनी चाहिए किससे, तो वी शुड नेवर डिस्पाइज एनी वन फॉर हिज पॉवर्टी, हमें घृणा नहीं करनी चाहिए किसी की गरीबी से, किसी की गरीबी से हमें घृणा नहीं करनी।